Morgan. Yes. Yes. सतीश का है वो सतीश के सतीश के पिता सब पच्चीस के जी का आटा मैदा खा लूंगा काम कर रहे इसको किस पर जाएगा हेलो क्या बोले थे आप? हाँ हाँ बोल रहे सर, ये पूछ रहे थे सर कि पटाखा यहाँ जो बिक रहा है इसका तो कोई सिस्टम नहीं है, इसे तो इसमें क्या कर रही है यहाँ की प्रशासन? यहाँ सिस्टम से बेच रहे हो पटाखा? इसका लाइसेंस वाइसेंस लिए हो? कुछ लिए हो कि नहीं? ऐसे ही बिक रहा है, ऐसे बिक रहा है बिना किसी लाइसेंस के? कोई सूचना उचना दिए भी हो कि नहीं? किस रेट पे बिक रहा है? जनरल रेट पे जैसे प्रिंटेड है जैसे, तो जो प्राइस भी अपना देखो क्या रेट है मैं तो बताओ, यदि इसमें प्रिंटेड है आपको दूसरी 500 रुपया प्रिंटेड है बेच रहे हो? ये देखिए सर 80 रुपये का 80 रुपये बेच रहे हो? एक पैकेट सर, ये प्रिंट सर ओवर ओवर आती है सर, तो प्रिंट सर तो हम लोग प्रिंट में नहीं बेचते सर, हम लोग ये 80 रुपये बेचते हैं सर, हम लोग 70 रुपये 75 रुपये 5 रुपये रखते सर। इसको सूचना देते हो कि नहीं कि ये सब दिख रहा है यहाँ पर? नहीं सर, हम लोग तो सर बराबर थोड़ा बहुत हर पर्व त्यौहार थोड़ा बहुत बेचते हैं सर। ठीक है, लेकिन सूचना देते हो कि नहीं? सूचना देते हो कि नहीं कहीं पर? हम लोग तो सर कभी आज तक सर कभी आज तक मौका तो झूठ बोले सब कोई फायदा नहीं है। नहीं तो झूठ काहे ले बोल रहा है? नहीं हम नहीं बोले, जांच करके पूरा बंद करा दें। वाह वाह नीचे हो तुम्हारा पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। ये बात तो सर ठीक है, इसकी सूचना तो देना चाहिए। आज तक सर ध्यान रखिए आगे बस रेडी बाजार के अंदर जितने भी पटाखों का दुकान है कहिए कि अपने ब्लॉक ऑफिस में पूरा सूचना देगा कि कितना बेच रहा है। ठीक है, तो सब दो तीन चार पाँच पाँच दस दस बीस दस तीस दस चालीस दस पचास दस साठ दस सत्तर सत्तर इसमें भी लगा दिया दोनों इसी का है ना? जी सर तीनों बाजार समिति के टैक्सी चोरी हो रही थी। हमने जब से यहाँ ज्वाइन किया है हमको कुछ दिनों से बहुत कंप्लेंट्स आ रहा था कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं लेकिन बहुत सारी कम दुकानें हैं जिनको कि पंजीकृत किया गया है। नियम ये होता है कि बाजार समिति हर एक दुकान को रजिस्टर करती है और हर एक दुकान में जितना स्टॉक आता है उसे कनेक्टेड टैक्स कलेक्ट किया करती है, लेकिन अनरजिस्ट्रेशन के अभाव में टैक्स का कलेक्शन नहीं हो पा रहा था जिस वजह से काला बाजारी और मुनाफाखोरी अपनी चरम पर था। तो हम अभी अभियान शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम जितने भी यहाँ पे व्यापारी हैं सभी की दुकानों को पंजीकृत कराएंगे, उनका स्टॉक जांच करेंगे और अगर उन्होंने टैक्स चुराया है तो उसका 3 times पेनाल्टी वो भरेंगे। इस पर नया जो होगा वो ये है कि हर एक दुकान वाले अपने दुकान के बाहर अपने स्टॉक से संबंधित पूरा डिटेल और रेट चार्ट लगा के रखेंगे। इससे लोगों को यह भी फायदा होगा कि उनको पता चल जाएगा कि हर एक दुकान में किस रेट पे सामान मिल रहा है, तो उनको कम से कम नुकसान होगा और इससे मुनाफाखोरी और टैक्स चोरी पे भी रुकावट आएगी। ठीक है।